धमकी है मेरी, अब नरोत्तम मिश्रा कभी चुनाव जीत नहीं सकता। ये 35 साल के वनवास को क्या इस बार फूल सिंह बरैया जी तोड़ेंगे और जीत होगी संध्या राय से, कितना आसान समझते हैं आप जी? टूट गया ये 35 साल का, उनकी जो जीत चली आ रही थी वो टूट गई। वो कुछ भी कर लें, वो जो उनके पास हथियार हैं, जो उनके पास कुछ भी है, चाहे कोई सा हथियार चला लें, चाहे कैसा भी षड्यंत्र ले आए, इस बार भिंड से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपके वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं लोग होते हैं, इससे बच पाएंगे इससे आप? मेरे वीडियो वायरल करने वाले एक श्रीमान थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, अगर उन्होंने ऐसी हिमाकत कर दी वो समझ ले जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत पाए। ये मेरी धमकी दी है। भाजपा लड़ेगी भाजपा से चुनाव, कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया लड़ेगा और उनकी सारी चालाकी समझता जाएगा और सारी चालाकियों का इंतजाम इलाज करता जाऊंगा। तो मोदी का ऐलान है कि 400 पार करेंगे तो फिर कैसे? हाँ, मोदी का कोई आदमी है, उसने बोला है कि 400 पार हम इसलिए लाएंगे कि संविधान को हमें मिटाने में, संविधान को हटाने में हमें सहूलियत मिलेगी। 200 पार भी इस बार बीजेपी कर गई तो मैं नमस्कार आपकी जन अदालत से, मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड दतिया लोकसभा को लेकर आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ इंजीनियर फूल सिंह बरैया जी भांडर विधायक जुड़ रहे हैं, स्वागत हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। लोगों को आपके टिकट का इंतजार था, आपके कार्यकर्ताओं का, आपका टिकट हो गया। जिस तरीके से भांडर में आपकी जो जीत हुई है, भिंड दतिया में क्या असर रहेगा लोकसभा में? भिंड दतिया जो लोकसभा सीट है, सीट में जो भी मतदाता हैं सभी के सभी एक परिवार जैसे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 30-35 वर्षों तक किसी को परेशान होते हुए देखा है तो हमने लड़ाई जरूर लड़ी है। उनका इंतजार था, वो कह रहे थे कि फूल सिंह बरैया अगर मैदान में आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग मिल करके सभी जिता करके दिल्ली भेजेंगे, जिससे भिंड का विकास होगा। जिस तरीके से भांडर विधानसभा में आपकी 30,000 से जीत हुई थी, भिंड दतिया लोकसभा में क्या आंकड़ा रहने वाला है? देखिए, आज तो ये नहीं कह सकते कि कितने वोटों से जीत होगी, वो हम 5-6 दिन का दौरा करने के बाद बता देंगे कि हम इतने वोटों से जीतेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि हम आपको वोट नहीं देंगे। बीजेपी या और भी जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं हम आपको वोट देंगे। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका इंडिया अलायंस में भी हैं, उनके कार्यकर्ता नेता मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि इस बार बहुत अच्छा हुआ है, आपको टिकट मिला है, हम रात दिन एक करके एक भी ऐसा वोट नहीं छोड़ेंगे जो रह जाएगा, पूरा वोट डलवा करके आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने क्या आने वाली हैं? ऐसा कोई लगता हो कि कोई वोट नहीं देगा, ऐसा यहाँ पर मुझे कोई दिखाई देता नहीं है। मोदी का ऐलान है कि 400 पार करेंगे तो फिर कैसे? देखिए, अब कोई ऐसा भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जिसके टोटल वोट 20,000 आएंगे, वो भी पहले दिन तो दावा यही करता है कि मैं तो जीतूंगा, तो मोदी के दावे पॉजिटिव तो होते नहीं हैं। कई लोगों ने बोला कि इनको पहले से कैसे पता चल जाता है, तो लोगों का इशारा ईवीएम की तरफ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो इस काम को भी कर पाएंगे। काफ़ी लोगों की नज़र है, पूरी दुनिया में ये विषय पैदा हो गया है कि भारत के अंदर जो अभी तक प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में हैं वो डेमोक्रेसी के आधार पर नहीं है, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं और पूरा दुनिया डेमोक्रेसी के पक्ष में है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार मोदी ये काम नहीं कर पाएंगे। रही बात 400 पार की, तो उनका एक कोई है कार्यकर्ता हो या कोई नेता वेता जो भी है, उसने अभी स्टेटमेंट बोला है कि 400 पार हम इसलिए लाना चाहते हैं कि 400 पार जब आ जाएंगे तभी संविधान को हम ख़त्म कर पाएंगे और 400 पार नहीं हुए तो संविधान ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें 400 पार चाहिए कि संविधान को ख़त्म करने में हमें
आसानी होगी, उसका तो मुझे नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी टिकी है संविधान पर, और डेमोक्रेसी पर टिका हुआ है देश। लोकतंत्र को ख़त्म करना है, संविधान को ख़त्म करना है और देश को ख़त्म करना है, ये तीनों ही राष्ट्रद्रोह की बातें। तो जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोह की बात कर रहा है उसका क्या नाम लेना है। लेकिन हाँ, मोदी का कोई आदमी है, उसने बोला है कि 400 पार हम इसलिए लाएंगे कि संविधान को हमें मिटाने में, संविधान को हटाने में हमें सहूलियत मिलेगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान ख़त्म करना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी संविधान को तो अभी अगर उसके हाथ में पूरी तरह से आ जाएगा जो बहुमत, जिससे बहुत बड़ा चेंज लाना है, तो वो तो एक मिनट में ख़त्म कर देगी। देश में 2 करोड़ नौकरियां हर साल ख़त्म करने की कभी सोचा भी नहीं था, तत्काल ख़त्म कर दी। 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म करने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि उसके परिवार के कम से कम 12 करोड़ लोग, कम से कम 12 करोड़ लोग रोटी के लिए तरस जाएंगे, 12 करोड़ लोग। और ये इस प्रकार का पाप के लोगों को भूखे मारना, इस प्रकार का पाप अगर कोई कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सरकार कर सकती है, सकते हैं। कितनी सीटें आएंगी आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा? 200 पार भी इस बार बीजेपी कर गई तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम बीजेपी ने कर लिया। वो इस बार 200 पार नहीं कर पाएंगे, और इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी, और बहुमत की सरकार जब बनेगी तो इन्होंने कई ऐसे कानून बना दिए हैं जो जनता के खिलाफ हैं, वो सारे कानून वापस किए जाएंगे, जनता को खुशहाल जिंदगी देने के लिए आगे आएंगे। भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस से यदि आपको जीत मिलती है तो आपका विजन क्या है भिंड दतिया के लिए? देखिए, फूल सिंह बरैया एक तो मानव का ही विकास करने में पहला मेरा काम है और पहला मेरा नंबर भी है। अब कोई पूछे कि मानव का विकास कैसे होता है, हजारों सालों से जो लोग पीड़ित रहे आज भी उनको उनका हक जो संविधान में लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वो आज भी उनको हक नहीं मिला है। ऐसी 3742 जातियां हैं जिनको पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो मैं समझता हूं अगर हक उनको नहीं मिला और पॉपुलेशन और लैंड, इसका जो रेशियो बिगड़ता जा रहा है वो ये है कि ज़मीन टोटल 15 वर्ष बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ये पेट कहाँ से भरेंगे? तो मानव का विकास ये है कि मानव सुखी जिंदगी जिए, इसके लिए मैं काम करूँगा। दूसरा काम ये है कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति कहीं भी पीड़ित है, कहीं भी उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, हम उसके लिए लड़ेंगे। भिंड एक ऐसा ज़िला है जिसका विकास रुका हुआ है, यहाँ पर ट्रेन की अभी सिंगल लाइन डल पाई है, जबकि इटावा से ग्वालियर मिला देना चाहिए तो इसका डबल लाइन होती तो इसका बहुत विकास होता, और 6 लाइन का प्रस्ताव भी अभी प्रस्ताव पास हुआ पड़ा है, लेकिन 6 लाइन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो भिंड से इटावा जोड़ने के लिए 2 पुल आते हैं, चंबल का पुल और यमुना का पुल। यमुना चंबल के दोनों पुल कम से कम मैं समझता हूँ 20-25 साल हो गए, तब से क्रैक हैं वो, इन दोनों पुलों को वो अभी तक बना नहीं पाए। तो इटावा से ग्वालियर तक 6 लाइन से अगर भिंड जुड़ गया तो भिंड का जो रफ्तार है विकास की बहुत तेज हो जाएगी। और भी इसके साथ में कई मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन का 0 है एक प्रकार से भिंड, कहीं का भी बच्चा बच्ची जब पढ़ने के लिए जाता है तो भिंड में कोई ऐसा एजुकेशन सेंटर नहीं है कि वहाँ वो पढ़ने के लिए रुके, वो ज़्यादा गांव का आदमी भिंड न जा कर के ग्वालियर आता है, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है वहाँ पर जो उसे ग्वालियर भोपाल दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़े, वो भिंड में ही उपस्थित होना चाहिए उसे। ऐसा कोई भी
सेंटर नहीं है, जैसे मेडिकल कॉलेज है उसकी घोषणा कर चुके हैं, भिंड में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, भिंड में कई ऐसे कॉलेज की आवश्यकता है जो वहाँ की एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। वहाँ के लड़के पीएससी यूपीएससी के लिए सिलेक्ट होने के लिए ऐसी कोई कोचिंगें, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जो मेरी कोशिश है कि इस विकसित लाइन में भिंड को जोड़ा जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो मालनपुर वो एरिया है जहाँ बेरोजगार रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलता नहीं है, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, ये सब शासन प्रशासन की कमी है। अगर शासन चाहे तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको और भी विकसित किया जा सकता है। मैं जीत करके जाऊँगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, और इंडिया गठबंधन की अगर गवर्नमेंट बनी तो मेरा दावा है कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत विकसित करूँगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, इस लड़ाई को मैं लड़ूँगा भी। जो बरसों पुरानी जो भिंड दतिया की नौबत है कि लोग गुजरात बिहार अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भिंड दतिया में ही लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगा जा सकते हैं? ये बिल्कुल सत्य है कि अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि एक शब्द है जो मैंने लोगों से बातचीत की, मैं पूछता भी हूँ कि जब ज़मीन आपकी ख़त्म हो जाएगी तब क्या करेंगे आप, तो कुछ लोग कहने लगते हैं अभी भी हम लोग टिकिया पर जिंदा है। इसलिए भिंड में अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की गई, ना ही यहाँ ये विचार किया गया है कि इनको नौकरियाँ कैसे दी जाए, ना ही इसके ऊपर कोई विचार करता है कि 2 करोड़ नौकरियाँ मोदी जी ने हर साल ख़त्म कर दी हैं, करोड़ों नौकरियों को बलि चढ़ा दी। भिंड में इस बात को भी समझने लायक शिक्षा नहीं है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल ख़त्म की जा रही हैं, तो हमारा हाल क्या होगा, आने वाले समय में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। आई पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, बेरोजगार लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं, इनको रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी, इंडिया गठबंधन देगा, ये राहुल गांधी जी ने खुद कहा। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, भिंड दतिया की बात करें, पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, क्या कारण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस कारण वो जीतती है, हमारा कोई भी प्रत्याशी उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, या मालूम नहीं उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है। सीए कानून लागू कर दिया, सीए कानून लागू करने का मतलब है देश का शांति भंग करने की कोशिश, दंगा होने की शुरुआत, और जब जब दंगे होंगे, जब जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा, जब जब चारों तरफ से हाहाकार मचा होगा, उस वक्त लोग न विकास की बात करेंगे, न नौकरियां मांगेंगे, ना उस समय किसानों को अपनी चिंता होगी, पर जिंदगी याद रहती है, न नौकरियां याद रहती, न किसानों को अपना विकास याद रहता, ना ही महंगाई याद रहती, ना और कुछ याद रहता, उस समय याद रहता है कि इसमें हम जी कैसे पाए। जो जायज समस्या है उसको भूल करके उनकी बनाई हुई समस्या में उलझ जाता है, इसलिए सारी सीटें हमारे लोग गमा देते हैं, उनके लोग जीत जाते हैं। तो ये 35 साल के वनवास को क्या इस बार फूल सिंह बरैया जी तोड़ेंगे और जीत होगी संध्या राय से, कितना आसान समझते हैं आप जी? टूट गया ये 35 साल का, उनकी जो जीत चली आ रही थी वो टूट गई। वो कुछ भी कर लें, वो जो उनके पास हथियार हैं, जो उनके पास कुछ भी है, चाहे कोई सा हथियार चला लें, चाहे कैसा भी षड्यंत्र ले आए, इस बार भिंड से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, उसे कोई हराने वाला नहीं। आपके वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं लोग होते हैं, इससे बच पाएंगे इससे आप? मेरे वीडियो वायरल करने वाले एक श्रीमान थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे वीडियो उन्होंने एडिट कराए थे, इधर का उधर जोड़ करके उल्टा सीधा उन्होंने किसी की आवाज़ किसी का कुछ करके बनाया था, जो आज टेक्नोलॉजी आ गई है कुछ भी किया जा सकता है, किसी की आवाज़ में किसी का चेहरा लगा दो, किसी का कृत्य शामिल कर दो,
ये ऐसे वीडियो उन्होंने बनवा करके एडिट करवा करके मेरे खिलाफ डाले थे, मुझे 51 वोटों से उन्होंने हरा दिया। मैंने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं और मेरे को बदनाम करके 51 वोट से हराया है, अब ये व्यक्ति को मैं जीतने नहीं दूंगा। वो आज व्यक्ति जीत नहीं पाया और वीडियो जो भी मेरे खिलाफ बना करके डालेगा वो ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और रही बात यहाँ जनता को बहकने की, बहकेगा कोई नहीं, सारे वर्ग के लोग मुझे खुद उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा तो सामान्य वर्ग के लोगों ने मेरे टिकट की वकालत की है, सबसे ज़्यादा उसके बाद वकालत की है पिछड़े वर्ग के लोगों ने। तो बहकेगा कौन, जिनको बहकाने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं या डालेगी भारतीय जनता पार्टी, और वीडियो दूसरे की आवाज़ किसी का चेहरा लगा करके वो डालेंगे मुझे बदनाम करने के लिए, जिनको बदनाम करेंगे वो नहीं तो टिकट की मांग की है, तो बदनाम कैसे कर लेंगे। और अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की भी, अगर उन्होंने ऐसी हिमाकत कर दी, वो समझ ले जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये मेरी धमकी दी है, धमकी है मेरी, अब नरोत्तम मिश्रा कभी चुनाव जीत नहीं सकता है, मेरी धमकी है ये, आज भी और आने वाले समय में भी इसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा कि कहां से वीडियो बन के आ रहा है, बीजेपी का कौन सा नेता बना के ला रहा है, बीजेपी के किस सेंटर से बन के आ रहा है, जो मुझे पता भी चल जाएगा, मैं भी नज़र रखे हूं। और जैसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो मैं तो, मेरा तो बदनाम अब हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों को गुमराह करेंगे वो खुद ही उनने टिकट मांगा है सभी लोगों ने मिल करके। तो अब की बार इस वीडियो से नुकसान उन्हीं का होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नुकसान होगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आप कैसे निपटेंगे? मैंने बता तो दिया निपटने के लिए, कि जब उन्होंने मुझे टिकट मांगने के लिए खुद उन्होंने वकालत की है, फूल सिंह बरैया चुनाव लड़े, मुझे चुनाव लड़ाई बुरा है, सही मायने में सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोग ही मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, अब किसको गुमराह करेंगे वीडियो से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे निपटूंगा कि मैं पता करूंगा कि वीडियो बनवा कौन से नेता ने, वो तो बीजेपी बनवाएगी, लेकिन बीजेपी का कौन सा नेता बनवा रहा है, वो नेता को मैं परख लूंगा, समझ लूंगा, और जिंदगी में कभी वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए। ये निपटने का मेरा बड़ा तरीका है। संध्या राय से चुनाव जीतने के लिए आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं कोई कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब है भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, कैंडिडेट से नहीं लड़ना है। कैंडिडेट तो उनका कुछ होता ही नहीं, संविधान खत्म करने की बात हो रही है, उनका सांसद कर रहा है, किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने, किसी ओबीसी के व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने जो संविधान का जीवन जी रहे हैं, किसी ने कहा कि ये आदमी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, संविधान में 140 करोड़ लोगों का जीवन निहित है, क्या किसी ने कहा कि इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाए, इनको जेल में ठूंसा जाए, ये बाहर क्यों घूम रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। तो उनके यहाँ पर कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है, देश में मोदी और अमित शाह के अलावा कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ दो ही लोग हैं, तो उनके यहाँ जिनकी क्या क्या हैसियत है, जब उनके कैबिनेट में बड़े बड़े नेताओं का पता नहीं है तो ये नहीं कौन पूछेगा। भाजपा लड़ेगी, भाजपा से चुनाव कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया लड़ेगा और उनकी सारी चालाकी समझता जाएगा, वो सारी चालाकियों का इंतजाम इलाज करता जाऊंगा। भिंडरतिया की जनता आपको इस समय देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही संदेश मेरा सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, प्रिय मतदाताओं से, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भिंड के भाजपा के भंवर जाल से निकलें और कांग्रेस के पंजा पर बटन दबाएं और फूल सिंह बरैया को विजय दिलाएं। उनकी मैं हर दुख सुख में, हर तकलीफ में शामिल हूं और उनके तकलीफ को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा।
तो इस समय हमारे साथ भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ बने हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो हमें अपनी राय जरूर दीजिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज के साथ और भिंड दतिया लोकसभा को लगातार कवरेज करने के लिए आपकी जनता न्यूज देखते रहें। नमस्कार।